झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 से पहले गुजरात वाले मुख्यमंत्री ने दुश्मनों को अपनी 56 इंच छाती का ध्वज दिखाने की बात कही थी, चीन और पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाने की बात की थी, लेकिन जब गुजरात वाले सीएम भारत के पीएम बन गए तब पता चला आंखें लाल करना तो दूर की बात है, दुश्मन से आंख मिलाकर बात करना भी एक बड़ी बात है। कुर्सी संभालने के बाद हमारे मोदी बाबू सबसे पहले तो पूरी दुनिया के सैर में निकल पड़े। सामने कोई भी नेता आता तो उसे देखते ही गले लगाना हमारे मोदी जी का खासियत बन चुकी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तो मोदी जी ऐसे गले लगते थे मानो जबरदस्ती गले पड़ रहे हों। ओबामा और ट्रंप की इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस कदर मोदी के गले पड़ने की आदत से घबरा रहे हैं। लेकिन खैर छोड़िए, गले लगने और गले पड़ने की पॉलिटिक्स में हमें नहीं पड़ना। वैसे भी भारत पूरी दुनिया का विश्वगुरु है, सबको गले लगाना और सबको रास्ता दिखाना भारत की परंपरा रही है, लेकिन दुश्मनों के मामलों में मोदी जी की छाती शायद पिचक जाती है। लाल लाल आग दिखाना तो बस एक जुमला बन चुका है। आज हालत यह है कि पड़ोसी देश से लगातार घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। कश्मीर में रोजाना ही कोई ना कोई भारतीय मारा जा रहा है। हमारे नागरिकों पर आतंकी हमले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और हमारी मोदी सरकार पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है जब भाजपा और संघ के पुरोधाओं ने विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रचार प्रसार में लगे थे। कश्मीरियों के नाम पर बाल्टी भर भर कर ऐसे आंसू बहा रहे थे जिसे देखकर कश्मीर वाले भी हैरान थे कि क्या ऐसा हमारे साथ हुआ था जैसा फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन एक बात तो 100% सच है कि कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के नाम पर आंसू बहाने वाली बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानती है। बंदूक के निशाने पर पूरा कश्मीर नजर आ रहा है, ना तो मोदी सरकार कश्मीरियों की हिफाजत कर पा रही है और ना ही भाजपा और ना ही नागपुर की कच्छे वाली सेना। आज ये हाल हो रहा है कि कश्मीरी पलायन कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार संसद में खड़े होकर बड़े ही गर्व से पलायन की घटना से इनकार कर रही है। तो ऐसे में सवाल है कि जो कश्मीरी पलायन कर रहे हैं आखिर वो क्या अमेरिका से आए हैं या फिर फ्रांस से? मतलब झूठ भी ऐसा परोसा जा रहा है जिसे सुनकर झूठ भी शर्म से पानी पानी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरियों का खून बहा जा रहा हो, बल्कि गैर कश्मीरियों के खून से कश्मीर की धरती लाल हो रही है। कश्मीर में मरने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे मरने वाला कश्मीरी हो या बाहरी, उसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं। लेकिन भाजपा और मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तमाम बड़े बड़े दावों के उलट हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, जिसके देखने और सुनने के बाद 56 इंच छाती पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर कैसे कश्मीर बनता जा रहा है जहन्नम? आखिर कैसे कश्मीर में खत्म हो चुका है अमन चैन? आखिर कैसे घड़ियाली आंसू बहा रही है भाजपा? आखिर कैसे पिचक रही है 56 इंच की छाती? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भले ही मोदी सरकार इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कश्मीर में रोजाना कश्मीरियों की लाशें गिर रही हैं, आतंकियों के बंदूक से पूरा कश्मीर थर्रा रहा है, लेकिन मोदी जी केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कश्मीर के मामले में मोदी जी ने पता नहीं कौन से तीर मार लिए, लेकिन कश्मीर के नाम पर सबसे ज्यादा चीखने वाले भी भाजपा ही है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मामला हो या फिर कश्मीर में आतंकवाद का, हर मामले में बीजेपी अक्सर चुनाव के वक्त जोर जोर से रोना शुरू करती है, लेकिन चुनाव के बाद कश्मीर के नाम पर एकदम खामोश हो जाती है। अब अगर कश्मीर के ताजा हालात पर गौर किया जाए तो रोजाना बेगुनाह कश्मीरी अपनी जान गंवा रहे हैं। जम्मू के सीतरा में 6 लाशों को देखकर आंखों के आंसू सूख चुके हैं। एक ही घर में इन लाशों के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक औरत, उसकी 2 बेटियां और 2 रिश्तेदार हैं। इन लोगों की मौत कैसे हुई अभी इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। महिला की पहचान शकीना बेगम के तौर पर हुई है। मरने वालों में उनकी 2 बेटियां नसीमा अख्तर और रुबीना बानो और उनका बेटा जफर सलीम भी शामिल है और उसके 2 रिश्तेदार नूर अल हबीब और सज्जाद अहमद शामिल हैं। इस घटना से पहले मंगलवार को आतंकियों ने शोपिया के चोटीपोरा में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस हमले में मृतक का भाई भी जख्मी हुआ है। मरने वालों की पहचान सुनील कुमार भट्ट के तौर पर हुई थी। यह हमला एक टारगेट किलिंग माना जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में हुए इस आतंकियों ने दोनों कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में गोलियां बरसाई हैं। सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे, इसी दौरान आतंकियों ने उनसे नाम पूछा, फिर गोलियां चला दी। टारगेट किलिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई प्रतिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। सुनील कुमार अपना काम कर रहा था लेकिन आतंकियों ने यह हरकत की, लेकिन आतंकवादी कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शोपिया में हुई टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि शोपिया में हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मृतक के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर का हर निवासी परेशानी झेल रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी तरह फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का हवाला देकर धारा 370 को हटाया गया था, लेकिन घाटी में कश्मीरी पंडित असुरक्षित हैं। वहीं इस मामले में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। सज्जाद लोन ने व्यक्त किया शोक। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद लोन ने कश्मीरी पंडितों पर हुई टारगेट किलिंग को लेकर कहा है कि शोपिया में आतंकियों ने एक और कायराना हमला किया, इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत है, दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। ये वही रविंद्र रैना है जिनके साथ उस आतंकी की तस्वीर सामने आई थी जिसे गोला बारूद और हथियारों के साथ पकड़ा गया था, लेकिन बाद में पता चला वो आतंकवादी भाजपा ICL का बंदा था जिसका बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीर मीडिया में छाई हुई है। लेकिन भाजपा अभी भी आतंकियों के चुनकर मारने और सबक सिखाने की बात कर रही है। अब अगर कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं पर गौर किया जाए तो 4 अगस्त 2022 को पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई थी, 2 जून को बड़गाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी, 2 जून को राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया था, 31 मई को कुलग्राम में टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई थी, 25 मई को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की बडगाम में हत्या, 24 मई को एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। 17 मई को बारामूला में 52 साल के कारोबारी की हत्या कर दी गई। 12 मई को कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। 12 मई को ही पुलिसकर्मी रियाज की हत्या कर दी गई थी। अभी हाल ही में संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से किसी कश्मीरी पंडित ने घाटी नहीं छोड़ी। गृह मंत्रालय ने लिखित बयान में कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। 2019 के बाद से घाटी से किसी कश्मीरी पंडित ने पलायन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों से इतर घाटी में गैर कश्मीरियों की हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। बांदीपुरा में बिहार के रहने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की घटनाओं की वजह से सरकारी कर्मचारी प्रवासी मजदूर दहशत में देखे जा रहे हैं। आतंकी यहां लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। खासतौर पर यहां बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्याओं से खौफ का माहौल छाया हुआ है। पिछले 10 महीने में आतंकियों ने बिहार के 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस तरह से कश्मीर अब बदल चुका है। कश्मीर में अमन चैन की बात बिल्कुल कोरा झूठ नजर आ रही है, लेकिन मोदी सरकार का जलवा सबसे अलग है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी हर घर तिरंगा देखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में हर घर और हर मोहल्ले में लाशों की गिनती की जा रही है। और हमारे मोदी बाबू ना तो आंखें लाल हो रही हैं और ना ही गला रूद रहा है, और छाती का तो जिक्र करना ही बेकार है। शायद 56 इंच से 6 इंच हो गई हो। कश्मीर अब नर्क बन चुका है। हमारा खूबसूरत जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर कश्मीरियों के लिए जहन्नुम बन चुका है। हमारे बादशाह वक्त को शायद अपने प्रचार से ही फुर्सत नहीं है। कोई मरता है तो मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है, राजा बोला रात है रानी बोली रात है, राजा बोला रात है रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है ये सुबह सुबह की बात है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।